कभी सोचा है हमारे कहे शब्द क्या इस वक्त तक ही सीमित रह जाते हैं, या ये आज कल और आने वाले कल की सीमा से परे एक अंतहीन सफर करते हैं, और जिनको सच में उनकी जरूरत होती है वो शब्द उन्हें सुनाई देते हैं। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। 2017 की जापानीज मूवी द मिरेकल्स ऑफ द नामिया जनरल स्टोर, डायरेक्टर रियोची हिरोकी, आईएमडीबी रेटिंग 6.7। जापान का एक छोटा सा शहर, भागदौड़ भरी एक दोपहर में नामिया जनरल स्टोर के सामने कुछ स्कूल से लौटते हुए बच्चे खेल रहे हैं। एक आदमी स्टोर की दीवार पर टंगी कुछ चिट्ठियां पढ़ रहा है। वो आदमी मिस्टर नामिया है, इस जनरल स्टोर का मालिक। एक 7 साल के युको ने लिखा है, मुझे स्कूल जाते हुए बस में उल्टी आती है। चिट्ठी के जवाब में नामिया लिखता है, प्यारे युको, तुम्हें पता है अंतरिक्ष यान उड़ाने वाले और समुद्री जहाज चलाने वाले भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी उल्टियां आती है। लिखना खत्म करके उन्होंने बाहर जाकर लिखी चिट्ठी उसी के चिट्ठी के बाजू में लगा दिया। यहाँ से कहानी का समय बदलता है और हम 3 दोस्तों को एक घर से चोरी छुपे भागते हुए देखते हैं। ठंड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी का इंजन शुरू नहीं हो रहा। तभी तात्सुआ ने कहा, मैंने यहाँ से थोड़ी दूर पे एक घर देखा है, वो काफी सालों से बंद पड़ा है, आज रात छुपने का बंदोबस्त हो जाएगा। फिर तीनों श्रोता तात्सुआ को ही रात के सन्नाटे को चीरते हुए उस घर की तरफ भागे। ये तो वही जनरल स्टोर है, मगर अब काफी पुराना सा हो चुका है। बाहर एक लेटर बॉक्स भी है जो खाली है। दरवाजे का ताला तोड़कर वो अंदर घुसे। हर तरफ धूल जमी है। अब वो किसी औरत की बात कर रहे हैं जो एक अनाथालय की जगह होटल बनाना चाहती है। उसी को मजा चखाकर भागते वक्त उसका लाल रंग का हैंडबैग उठा लाए। श्रोता उसमें से कुछ चीजें खंगाल रहा है, बाकी दोनों स्टोर में इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ मोमबत्तियां, कुछ पुराने मैगजीन्स और एक तस्वीर मिली जिसके पीछे लिखा है अकीको मार्च 1927। वो बातें कर ही रहे हैं कि तभी स्टोर के शटर से एक चिट्ठी अंदर गिरी। तीनों चौंक गए। तात्सुआ तो भागकर बाहर भी गया देखने कि किसने चिट्ठी अंदर डाली, पर अजीब बात है, बाहर तो कोई भी नहीं। अंदर आकर जब उन्होंने चिट्ठी खोली, वो किसी मिस्टर नामिया के नाम लिखी गई है। उन्हें याद आया, अभी तो इन मैगजीन में किसी नामिया जनरल स्टोर का जिक्र था। मैगजीन दोबारा निकाल कर पढ़ा तो लिखा है, मिस्टर यूजी नामिया इस नामिया जनरल स्टोर के मालिक है। हर रात लोग अपनी परेशानियों को चिट्ठी के माध्यम से इस दुकान में डाल देते हैं, और उसकी अगली सुबह उन्हें उनके सवालों का हल बाहर टंगी लेटर बॉक्स में मिल जाता है। मगर ये मैगजीन 1973 की है, यानी 30-40 साल पुरानी। फिर इतने सालों बाद कौन चिट्ठी डालकर गया है। उन्होंने चिट्ठी खोलकर पढ़ी, लिखा है, आज जॉन लेनॉन का देहांत हो गया। श्रोता ने तुरंत गूगल में सर्च किया जॉन लेनॉन, ये तो कोई म्यूजिशियन है, मगर इसकी तो दिसंबर 1980 में मौत हो चुकी है, आज से करीबन 32 साल पहले। यानी ये खत किसी ने उस दिन लिखी जिस दिन जॉन लेनन मारा गया था। ऐसा मजाक कौन कर रहा है हमारे साथ। शायद किसी को मालूम चल गया होगा कि हम यहाँ छुपे हैं, कोई पुलिस न बुला ले। मगर ऐसा लग रहा है मानो वहाँ के रास्ते, बिल्डिंग्स, पूरी की पूरी जगह जाग गई है। झिलमिलाती रोशनी से उनकी आंखें चकाचांद हो रही है। वो जितना भी कोशिश करे वापिस घूमकर उसी नामिया जनरल स्टोर के सामने खुद को खड़ा पाते, जैसे उनका यहाँ आना कोई इत्तफाक नहीं बल्कि समय की साजिश है। अब मजबूरन उन्हें एक बार फिर अंदर जाना पड़ा। काफी देर बैठे हुए कोही ने कहा, क्यों ना मैं इस चिट्ठी का जवाब दूं। इसी के साथ कहानी सालों पीछे 1980 में लौट जाती है। ये उसी इंसान की कहानी है जिसने ये चिट्ठी लिखी है, कात्सुरु मात्सुका। वो पूरे 3 साल बाद घर लौट रहा है क्योंकि उसकी दादी का देहांत हो गया है। कात्सुरो यहाँ से निकला तो था यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए, मगर उसकी रुचि संगीत में ज्यादा थी, इसीलिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मगर 3 साल बाद भी कुछ खास कर नहीं पाया, इसीलिए घर लौटकर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक दिन वो अनमने मन से चला जा रहा था, अचानक उसकी नजर सामने नामिया जनरल स्टोर पर पड़ी। उसे बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो दोपहर में स्कूल से लौटते वक्त मिस्टर नामिया के जनरल स्टोर पर रुककर उन चिट्ठियों को पढ़ा करता था। काश आज भी कोई उसके जिंदगी के मुश्किलों का हल दे जाता। उस रात वो खुद को चिट्ठी लिखने से रोक नहीं पाया, डियर मिस्टर नामिया, आज जॉन लेनन मारा गया जिसे मैं अपना गुरु मानता था। मुझे पता नहीं आप उनसे वाकिफ है या नहीं,
मगर उनका संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम है। आज 3 साल बाद मैं एक चौराहे पर खड़ा हूँ, समझ नहीं आता कि किस तरफ मुड़ू। वो उस चिट्ठी को उसी जनरल स्टोर में डाल आता है जहाँ से समय की गति को पार करते हुए वो चिट्ठी उस रात उन तीनों को मिली। उन्होंने जवाबी चिट्ठी लिखी और उस लेटर बॉक्स में डाल दी। अगले सुबह वो कात्सुरु को मिल गई। लिखा है, संगीत के पीछे 3 साल बर्बाद करके देख चुके हो, अब अपने पिता के मछली के व्यवसाय को तुम्हें संभालना चाहिए। अगली रात फिर कात्सुरु ने लिखा, बाजार बदल रहा है, बाबा की मछलियों की दुकान का अब कोई भविष्य नहीं, इससे अच्छा होगा मैं अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करूं। अंदर बैठे तीनों को ताज्जुब हुआ। 1980 साल जिस वक्त में अभी कात्सुरा है, वहाँ दिन बदल रहे हैं पर यहाँ इन तीनों की एक ही रात चल रही है। मानो वहाँ के दिन हफ्ते यहाँ के कुछ सेकंड्स के बराबर है। एक तरफ कात्सुरु सपने देखने वाला इंसान है, वही दूसरी ओर ये तीनों उसके जज्बात नहीं समझ रहे। उन्होंने फिर उसे ऐसा करने से मना किया। इस बार कात्सुरु ने ठान लिया कि वो उन्हें अपनी बनाई एक धुन सुनाएगा, तभी वो उसके बात को समझ पाएंगे कि संगीत उसका शौक नहीं, उसकी साधना है। जब तीनों ने वो धुन सुनी, इस धुन को वो पहचानते हैं, ये आज के जमाने का मशहूर सेरी का गाना है, यानी कात्सुरु ने सेरी के भाई को बचाया था। वो दौड़कर बाहर देखने गए पर दूर दूर तक कोई भी नहीं। अंदर आकर श्रोता ने कहा, धुन लगातार बज रही है, ये सब हो क्या रहा है? यहाँ जब कात्सुरु घर पहुंचा तो पता चला उसके बाबा अचानक तबियत खराब होने से अस्पताल में भर्ती है। बाबा के होश आने पे कात्सुरु ने कहा कि वो अब उनकी जगह दुकान का ख्याल रखेगा, अब वो मछलियों का लेन देन देखेगा। मगर उसके बाबा ने अपने दिल की बात कही कि वो नहीं चाहता उनके बच्चे उनकी तरह बने, वो चाहते हैं कि वो दुनिया में अपना नाम करे ताकि उनके जाने के बाद भी दुनिया उनको याद रखे। सुबह लेटर बॉक्स में उसकी एक चिट्ठी पड़ी है। लिखा है, तुम्हारा धुन कई लोगों की जिंदगी को छू कर गुजरेगी, तुम अपना संगीत कभी मत छोड़ना। अब यहाँ से कात्सुरु की कहानी को 8 साल और बीत गए। आज क्रिसमस की शाम है, वो एक अनाथालय के बच्चों को गाने सुनाएगा। कात्सुरु ने आखिरी में अपनी एक धुन बजाई जिसपे अभी उसने बोल नहीं लिखे हैं। प्रोग्राम के बाद एक लड़की ने उसके पास आकर उस गाने के बारे में पूछा। कात्सुरु ने बताया, इस गाने का मतलब है फिर से एक नया जन्म। वही लड़की सेरी है, उनके माँ बाप ने उन्हें इतना सताया है कि उसके भाई ने बोलना बंद कर दिया। पिछले साल ही वो यहाँ रहने आए हैं, तभी किसी ने खबर दी कि मौसम की खराबी की वजह से ट्रेन सर्विस बंद है, कल सुबह ही खुलेगी। आज रात कात्सुरु को यहीं रुकना पड़ेगा, उसके रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। कमरे के बाहर कहीं से उसे उसी की धुन गुनगुनाता कोई सुनाई दिया, वो सेरी है। कुछ दूर सार टहलते हुए सेरी ने पूछा, आप तो आगे जाकर एक बड़े संगीतकार बनोगे ना? कात्सुरु को थोड़ी अफसोस भरी खांसी आ गई। वो बोला, अभी तक तो किस्मत ने साथ नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि कभी खुद पर से यकीन करना नहीं छोड़ूंगा। उसी रात एक अनहोनी हुई, उसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सेरी के भाई को बचाते हुए कात्सुरु अंदर फंस गया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने अपने बाबा से पूछा, क्या मैं इस दुनिया पे अपनी छाप छोड़ पाया? बाहर सेरी उसे पुकार रही है, पूरी दुनिया का तो मालूम नहीं, पर हाँ सेरी उसे कभी नहीं भुला पाएगी। कहानी और 15 साल आगे बढ़ गई। सेरी बड़ी हो चुकी है, आज उसके गाने का शो है। प्रोग्राम के आखिर में उसने कात्सुरु की उसी धुन को अपनी बोल में पिरो कर गाया जिसके बोल है फिर से एक नया जन्म, और बोली, ये उस महान इंसान ने लिखा है जिसने बहुत साल पहले मेरे और मेरे भाई दोनों की जिंदगी बदल दी। आज कात्सुरु के बाबा का सपना पूरा हो गया, वो मर कर भी अमर हो गया। तीनों नामिया स्टोर में बैठे सेरी के उसी गाने को सुन रहे हैं। इसीलिए शायद कहते हैं, सच्ची कोशिशें कभी नहीं हारती। वो तो पानी में पैदा हुए उस तरंग की तरह है जो आगे जाकर एक बड़ी लहर बन जाती है। अब उन तीनों को इत्मीनान हुआ कि कात्सुरु को उनका आखिरी चिट्ठी मिल गया था। ऐसा लग रहा है वो तीनों वक्त की कड़ियों को जोड़ रहे हैं, घटनाओं को उसके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आज वो कात्सुरु को 8 साल बाद होने वाले उस हादसे के बारे में बता सकते हैं जिसमें उसकी जान जाने वाली है, मगर क्या वो हमारी बात मानेगा? और ऐसा करके क्या हम समय के साथ दखलंदाजी नहीं करेंगे? तात्सुआ बोला, मिस्टर नामिया का काम कितना जिम्मेदारी भरा था, उन्होंने कितनों की जिंदगी बदली होगी। इसी के साथ कहानी उस वक्त पे आ जाती है जब मिस्टर नामिया इस जनरल स्टोर में मौजूद हुआ करते थे। वो देर रात तक बैठकर लोगों के खतों का इंतजार करते
और फिर रात भर उनका जवाब लिखते। एक रोज उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया उन्हें स्टमक कैंसर हुआ है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। मिस्टर नामिया कुछ 3 महीनों के मेहमान हैं। अस्पताल में भर्ती मिस्टर नामिया के इर्द गिर्द हम एक औरत को अक्सर देखते हैं। एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा, एक औरत ने गाड़ी नदी में डुबोकर खुदकुशी कर ली। उसका नाम मिदोरी कावाबे है। मिस्टर नामिया को इसका खत आया करता था। उन्होंने जिंदगी के मुश्किल दौर में इसे सलाह दी थी, मगर आज अखबार में ये खबर पढ़ वो बेचैन हो गए। उन्होंने अपने बेटे ताकायुकी को उस औरत के बारे में बताया। उसकी एक छोटी सी बच्ची है, मुझे पता लगाकर बताओ कि अभी वो कहाँ है। मुझे हर रात सपने में आता है कि मैं उसी जनरल स्टोर में बैठा हूँ और लोगों की कितनी चिट्ठियाँ वहाँ जमा हो गई है। उन्हें मेरी जरूरत है, मगर मैं कुर्सी से चिट्ठियों तक की दूरी तय नहीं कर पा रहा। मेरे दिन अब उंगलियों में गिने जा सकते हैं। मैं एक बार अपने जनरल स्टोर जाना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। गाड़ी से उतर के नामिया ने अपने बेटे को एक चिट्ठी थमाई, कहा इसे पढ़ लो, और अंदर चला गया। ताकायुकी ने चिट्ठी खोली जिसमें लिखा है, मेरे 33वें मृत्यु दिवस पे आधी रात और भोर होने के बीच मैं लौट आऊंगा। उन सारे खतों के जवाब देने जो इस दौरान मुझसे पूछे जाएंगे, मैं उनकी मदद को जरूर लौटूंगा। ताकायुकी बाबा का ये खत पढ़कर रो पड़ा। इधर नामिया अपने उसी कुर्सी पे बैठा है, तभी दरवाजे से गिरती चिट्ठियों की झड़ी से लग गई। इतने सारे खते कभी एक साथ तो पहले नहीं दिखे, मगर ये क्या, बाहर तो कोई भी नहीं, फिर ये किसके हैं? दरअसल ये उन लोगों के हैं जिनकी जिंदगी रहते नामिया ने मदद की थी, उन्हें सलाह दी थी। वो नामिया के जाने के बाद के भेजे खत है, मगर उसे आज ही जीते जी मिल गए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ समय अब भूत भविष्य और वर्तमान की सीधी रेखा में नहीं चल रही। इस जनरल स्टोर में जो वक्त है ना, वो सेंध लगाता है, यानी छलांग लगाता है। सफर, भविष्य, भूत और वर्तमान सब एक ही समय में घुल गए हैं, और सामने खड़ी है अकीको। ये वही लड़की है जो कुछ समय से नामिया के आसपास दिखाई दे रही है। यहाँ उन 3 लड़कों को जिसकी तस्वीर मिली थी। अकीको किसी समय में नामिया से प्यार करती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। खैर वो 50 साल पुरानी बात है, वक्त ने उन्हें अलग कर दिया। उसके बाद नामिया ने किसी और से शादी की, बच्चे हुए। अभी दोनों अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। दोनों मिलकर एक एक चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। खत खुला एकीको नाम की लड़की का, जो अनाथालय में पली बड़ी है। एक दिन उनके स्कूल में अपने माता पिता के परिवार से जुड़ी बातों का एक प्रोजेक्ट बनाने दिया गया। कीको तो अनाथ है, पर कई कोशिशों के बाद उसे अपनी माँ से जुड़ी अखबार की सुर्खी दिखी, जिसमें उनके खुदकुशी का लेख लिखा है। किस तरह अपनी गाड़ी का ब्रेक फेल कर वो गाड़ी समेत नदी में जा गिरी और बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो उसी मिदोरी कवाबे की बेटी है जो मिस्टर नामिया को खत लिखा करती थी। अनजान रहना अलग बात है, मगर इस तरह की सच्चाई उस अकेली लड़की के लिए संभालना बहुत दुख भरा था। और उसने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की। उससे अस्पताल में मिलने उसी के अनाथालय से एक लड़की आई और अपने साथ कुछ खत लाई जो अनाथालय के मैनेजर ने उसे दिया है। ये खत कीको की माँ की चीजों से बरामद हुए थे जब उस हादसे के बाद कीको को अनाथ आश्रम को सौंपा गया था। उनमें शामिल है मिस्टर नामिया से चिट्ठी के जरिए हुई उनकी बातें। अब हम मिदोरी की कहानी जानेंगे। वो माँ बनने वाली थी, जबकि उसका प्रेमी एक शादीशुदा आदमी था जो उसके बच्चे को अपना नाम नहीं दे सका। मिदोरी बीच भवन में फंसी हुई थी। तब नामिया ने उसे सलाह दी कि अभी सबसे जरूरी है तुम्हें अपने बच्चे को सुरक्षा और अच्छा भविष्य देना। उस दिन से मिदोरी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती, दिन रात मेहनत करती। एक दिन नाइट ड्यूटी करके जब वो वापस आई, कीको को तेज बुखार था। उसी वक्त वो अपने दोस्त की गाड़ी मांग डॉक्टर खाना निकली, लेकिन रात जागने की वजह से उसे नींद आ गई और हादसे से कुछ सेकंड्स पहले उसने कीको को खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी कीको की माँ ने आत्महत्या नहीं की थी और वो उसे बेहद प्यार करती थी। कीको की आंखों में आंसू है। अब उसकी सहेली बोली, मेरे भाई को एक कासुरा नाम के शख्स ने बचाया था। उस दिन से मेरी ये जिंदगी उसे श्रद्धांजलि है। मैं नहीं चाहती कि तुम या कोई भी इस तरह अपनी जान ले। कीको, तुम्हें और मुझे एक लंबी जिंदगी जीनी है, एक कामयाब जिंदगी। वो लड़की और कोई नहीं, सेरी है। अब हम वापस जनरल स्टोर पर आ गए, जहाँ नामिया के जाने के बाद कीको ने उसे शुक्रिया कहा है।
उसकी माँ को सही रास्ता दिखाने के लिए, जिसकी वजह से आज वो एक सुखी जिंदगी जी रही है। नाम्या के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जिंदगी में कुछ पाना है तो बड़ा पाना है कि लोग आपके जाने के बाद आपको दुआओं में याद रखें। फिर एक और खत गिरा, मगर ये तो खाली है। दोनों की हंसी छूट गई। पर नाम्या जनरल स्टोर पे हर खत का जवाब मिलता है, यहाँ तक कि खाली खतों का भी। इस खाली खत से राज का पर्दा बाद में उठेगा। अब देखते देखते भोर हो गई। मिस्टर नाम्या बाहर निकल आए। उनके हाथों में इतने सारे खत देखकर ताकायुकी हैरान है, क्योंकि स्टोर के पास तो कोई भी नहीं आया। नाम्या ने हंसकर धीरे से कहा, ये भविष्य से आए हैं। कहानी उन तीनों दोस्तों पे वापस आ जाती है। एक और चिट्ठी अंदर आई। ये भी 1980 से हारुमी ताकुरा ने लिखी है। वो लिखती है, मुझे पढ़ना और काम करना दोनों पड़ता है, क्योंकि मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे मेरे अंकल आंटी को सौंप दिया गया, जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक अमीर आदमी ने पैसे देने का वादा किया है। हाँ, लेकिन मुझे उसकी मिस्ट्रेस बनकर रहना होगा। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता अपनाऊं, क्या करूं। दरअसल हारुमी को एक दिन परेशान देखकर कात्सुरो ने ही ये बात कही थी कि वो जनरल स्टोर में अभी भी चिट्ठी लिख सकती है। वो बंद है पर जवाब अब भी आते हैं। यानी कात्सुरो और हारुमी एक ही समय से हैं और एक दूसरे को जानते हैं। और तब उस रात हारुमी ने मिस्टर नाम्या को खत लिखकर अपनी परेशानी बताई, जो स्टोर में बैठे उन तीन दोस्तों को मिले। पहले तो वो तीनों सोचते हैं कि हम जैसे बेकार लावारिस लोगों से भला कोई क्यों सलाह लेना चाहेगा। उनके तो माँ बाप को उनकी जरूरत नहीं लगी, तो किसी और को क्या लगेगी। फिर भी जब खत आया ही है तो एक ने जवाबी खत लिखा, तुम किसी अमीर आदमी के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मेहनत करके भी तुम अपने बूढ़े अंकल आंटी का ख्याल रख सकती हो। हारुमी को उम्मीद तो नहीं थी कि एक बंद जनरल स्टोर से कोई जवाब आएगा, मगर फिर भी वो अगली सुबह लेटर बॉक्स तक गई और जवाब में उसे खत मिला। इस तरह कुछ खतों के अदला बदली के साथ तीनों को मालूम हुआ कि हारुमी के अंकल आंटी के घर पे बैंक का लोन चल रहा है। नहीं चुकाए तो घर उनके हाथों से चला जाएगा और हारुमी उनकी मदद करना चाहती है। उन्होंने उसे एक सलाह दी जिससे हारुमी की जिंदगी बदल गई। सलाह ये थी कि आने वाले समय में बाजार में बहुत तेजी से बदलाव आने वाले हैं, तुम्हें उसके लिए तैयारी शुरू करनी होगी। फाइनेंस की पढ़ाई में दाखिला लो और अपनी छोटी सी नौकरी से पैसे जमा कर सेंट्रल टोक्यो में एक छोटा सा घर लो। कुछ ही समय में उस घर का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। फिर उसे बेचकर अगले साल बड़ा घर लो, फिर उसे बेचकर एक नया घर लो। पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाओ, तुम्हारी पढ़ाई सही स्टॉक्स को चुनने में मदद करेगा। और इस तरह 8 साल गुजर गए। हारुमी ने सालों के अंतराल में एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। उस साल क्रिसमस के अगले दिन एक अफसोसजनक खबर सुनने को मिली। कात्सुरो मासुको पिछली रात एक अनाथालय में लगे आग में एक बच्चे को बचाते हुए मारा गया। हारुमी उस अनाथालय में गई। वहाँ वो मासु हागीवारा से मिली, जो ये जगह चलाते हैं। उन्होंने बताया कि अनाथालय दरअसल उनकी बहन आकीको माजुजुकी ने शुरू की थी, जो कम उम्र में ही दिल की बीमारी से मारी गई। वो इरादों की पक्की थी। एक दिन हमारे घर के नौकर के साथ वो भाग गई, मगर आधे रास्ते में उस नौकर ने ये ठीक नहीं कहकर उसे लौटा दिया। फिर उसने इस जगह की शुरुआत की और उसके जाने के बाद से ये अनाथालय मेरी जिम्मेदारी है। ये वही अकीको है जो मिस्टर नाम्या के साथ इस वक्त है। दोनों किसी समय में एक दूसरे से प्यार करते थे। हारुमी बोली, मैं यहाँ के बच्चों की मदद करना चाहती हूँ, इसके लिए जितने भी पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ। फिर एक दिन उसी जगह हम शोता, कोही और तात्सुआ को देखते हैं। वो तीनों भी इसी अनाथालय से है और अक्सर यहाँ आते हैं। किसी बच्चे ने उन्हें बताया कि उसने वहाँ के लोगों को कहते सुना, जल्द एक अमीर औरत इस जगह को खरीद कर यहाँ एक बड़ा होटल बनाने वाली है। वो रहती तो टोक्यो में है, मगर यहाँ भी उसका एक घर है। हारुमी सालों से इस अनाथालय से जुड़ी है और समय समय पर उनकी मदद करती आई है। वहाँ के मालिक मिस्टर हागीमारु भी चल बसे हैं और अब ये पूरा अनाथालय वहाँ के मैनेजर के हाथों में आ गया है, जो चैरिटी में भेजे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों से मिलकर इस जगह का सौदा करना चाहता है, इसी वजह से हारुमी परेशान है। एक दिन जब वो वापस घर लौटी तो उन्हीं तीन लड़कों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसी के घर में बंदी बनाकर भाग गए। और यहाँ हम फिल्म के पहले सीन में आ जाते हैं, जब तीनों किसी घर से भाग रहे थे और इस जनरल स्टोर में आकर पनाह ली। उन्हें तो मालूम ही नहीं कि जिस हारुमी से वो खत के जरिए बातें कर रहे हैं, जिसकी पूरी जिंदगी
उनके सलाह ने बदल दी। आज उसी के साथ वो ऐसा कर आए हैं। हारूमी ने उन्हें मिस्टर नामिया समझकर उनका एक एक शब्द माना है। तभी तात्सुआ ने मोबाइल में दिखाते हुए कहा, ये देखो, नामिया जनरल स्टोर पे एक वेबसाइट भी है जिसपे मिस्टर नामिया ने लिखा है कि वो अपने मरने के 33 साल बाद ठीक आज ही के दिन लौट आएंगे। आधी रात और भोर के बीच जब वो उन खतों के जवाब देंगे जो इन सालों में उन्हें लिखे गए हैं, यानी उन तीनों का आज की रात वहाँ मौजूद होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी। और इन 32 सालों में जिन लोगों ने मिस्टर नामिया से मदद मांगी, उनका हल इन तीनों को ही देना था ताकि वो मिस्टर नामिया की तरह उन लोगों को सलाह देकर उनकी जिंदगी बदल सके। उन तीनों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। फिर श्रोता बोला, मैं एक खाली कागज बाहर से डालता हूँ, देखना तुम्हें मिलता है या नहीं। और इधर दोनों अंदर इंतजार कर रहे हैं, पर वो खाली पन्ना कभी उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि वो 32 साल पहले यहाँ बैठे मिस्टर नामिया के पास पहुँचा है। वही खाली पन्ना जिसे देखकर अकीका और नामिया मुस्कुराए थे। अब उन तीनों का दिमाग काम नहीं कर रहा। श्रोता ने कोही से पूछा, तुम्हें इस जगह का पता किसने दिया था? वो बोला, जिसे हम आज बांध आए हैं मैं उसका पीछा कर रहा था। वो यहाँ इसी स्टोर की तरफ कुछ देर के लिए रुकी थी तो मुझे आज वहाँ से भागते हुए इस घर की याद आ गई जो खाली थी। फिर श्रोता ने उस औरत के चुराए बैग में उसका नाम पता देखा। उसका नाम हारूमी ताकुरा है। बैग से मिस्टर नामिया के लिए एक खत भी निकला। शायद वो टोक्यो से लौटी थी आज इस चिट्ठी को यहाँ डाल दें, क्योंकि मिस्टर नामिया ने कहा था कि वो आज लौटेंगे। और जिस तरह उनकी सलाह ने हारूमी की जिंदगी बदली, उनका लौटना नामुमकिन भी नहीं लगता। खत में लिखा है, आज से कई सालों पहले 1980 में आपने मेरी बहुत मदद की थी। आपके बताए रास्ते पे चलकर मैं बहुत कामयाब हुई और अपने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है इसी तरह मैं आपका कर्ज चुका पाऊंगी। वो जिसे बांध कर आए हैं वो यही हारूमी ताकुरा है। रात गुजर चुकी है। सुबह वहाँ निकलते वक्त श्रोता को पता नहीं क्या लगा, उसने वो लेटर बॉक्स खोला, उसमें एक चिट्ठी पड़ी है। उसके खाली पन्ने का जवाब है मिस्टर नामिया की तरफ से, क्योंकि मैंने कहा था ना, यहाँ आए हर खत का जवाब मिलता है चाहे वो खाली ही क्यों ना हो। लिखा है, मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचकर ये खाली पन्ना डाला होगा, शायद इसीलिए कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा हालात को दिखाता है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जिंदगी किस तरफ जा रही है, लेकिन मेरी मानोगे तो कभी दिल छोटा मत करना, मायूस मत होना। तुम्हारा आने वाला कल इस खाली पन्ने की तरह है। इस पे तुम जो लिखोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही भविष्य बनाओगे। संभावनाएं असीमित हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम्हें एक कामयाब जिंदगी की शुभकामनाएं और शुक्रिया उस खाली खत को डालने के लिए। ये आखिरी खत मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल खत था। खत के नीचे लिखा है, नामिया जनरल स्टोर। अब उन तीनों ने हारूमी के पास जाकर अपना सच कबूला और बाकियों की तरह उन्होंने भी मिस्टर नामिया की सलाह को अपनी जिंदगी पे अमल किया और अपनी अपनी मेहनत की राह पर निकल पड़े। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।